दोस्तों आज हल्दी और पत्ती से एक ऐसा नुस्खा बनाएंगे जो आपके बालों को जड़ों से काला करेगा। आपको बाहर से केमिकल्स वाले डाई लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर रख दिया है हमने बहुत ही मोटा सा लोहे का तवा। लोहे का तवा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप किसी भी तवे पे इसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के हल्दी। ये आपके बालों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बालों का वॉल्यूम कितना है, उस हिसाब से आप हल्दी ले लीजिएगा। हमने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है। अब यहाँ पर हम डालने वाले हैं चाय की पत्ती। चाय की पत्ती भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को मजबूत करता है। तो यहाँ पर चाय की पत्ती के भी हम ले रहे हैं 2 भर के टेबल स्पून। तो ये दोनों चीजों को हमने ले लिया। अब आपको इसे इतना भूनना है कि ये बिल्कुल भी काला हो जाए, बिल्कुल अंगारा बन जाए, क्योंकि हमें बाद में इसे अच्छी तरीके से बारीक करना है। तो चलिए इसे अभी हम जलाना शुरू करते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसे हम रोस्ट करना शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हैं। होता क्या है, आजकल बच्चों के भी बाल जो है वो सफ़ेद होने लगे हैं, बड़ों की बात तो छोड़ दीजिए। और जब हम बाहर से अपने बालों को काला करने के लिए डाई लेकर आते हैं तो उसमें इतने सारे केमिकल्स मिले होते हैं कि हमारे जो काले बाल हैं वो भी सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो बस इस तरीके से हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल भी काला होकर खाक ना बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्दी और चाय की पत्ती पूरी तरीके से काली हो गई है, पूरी तरीके से जल गई है, बल्कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें अंगारे भी उठने लगे हैं। हमें कुछ इस तरीके से ही इसे जलाना है ताकि ये बिल्कुल भी काला कलंच, बिल्कुल होता है ना जंक काला, उस तरीके का काम करे हमारे सफेद बालों पर। तो इस वक्त हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे किसी एक बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो और हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल भी हमारा जो डाई है बनके तैयार है। अब हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलाएंगे जो इसे और भी पावरफुल बना देंगी। यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा गर्म है, आपको चिंगारियां दिख रही हैं। इस वक्त आपको इसको थोड़ा सा चमचे की मदद से मसल लेना है ताकि ये और भी बारीक हो जाए, और जब हम अपने बालों पे इसे अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली ये हमारे बालों में लग जाए। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं छान रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा स्मूथ हो तो आप इसे छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं। तो ये हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें इसमें जाएंगी जो मदद करेंगी हमारे बालों को काला करने में, लंबा घना और मजबूत बनाने में। तो ये हो गया। अब चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल। तो आपको 2 विटामिन ई के कैप्सूल ले लेना है। तो बस इसमें पिन की मदद से एक होल करेंगे और इसे हम डाल देंगे। अब आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। और थोड़ा सा पानी, आप पानी इतना ही मिलाइएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी सी रहे। और आपको इसे अच्छे से मसल लेना है, खूब अच्छे से मसल लेना है ताकि ये बालों पे अच्छी तरीके से लग जाए। इन सब चीजों को हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। ये जो चीज है बहुत ताकतवर चीज है, यह आपके बालों को काला करेगी। अगर आपके पास ये वाली खादी की ब्लैक वाली मेहंदी है तो आप ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी ये मेहंदी में हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है तो आप डालिए। यहाँ पर आपका बहुत ही बेहतरीन सा हेयर डाई बिल्कुल भी तैयार है। आप एक ब्रश की मदद से अच्छे से लगा सकते हैं, या अगर आपको हाथों से लगाना है तो आप ग्लव्स के जरिए भी इसे लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना काला है। तो ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा आपका होममेड हेयर ड्रायर तैयार हो गया है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं धोने के बाद भी हाथ कितना काला हो गया है, तो इस पे कितना अच्छा बालों पे इसके कलर चढ़ने वाला है। ये बालों को हेल्दी बनाएगा, काला करेगा और आपको जितने सफेद बालों की प्रॉब्लम है उससे निजात दिलाएगा। इसी तरीके के बेहतरीन नुस्खों के लिए और घरेलू रेमेडीज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी जरूर करिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। अंजुम को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।